श्री रामकृष्ण ने अब तक भक्ति शास्त्रों में वर्णित शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा मधुर भावों की साधना पूरी कर ली थी तथा इनमें से प्रत्येक के द्वारा उन्होंने उसी एक तत्व की अनुभूति की थी। उनके अब तक के आध्यात्मिक अनुभव विविधता लिए हुए थे। कभी वे स्वेच्छा से उनका अनुभव कर लेते थे तो कभी उनके आध्यात्मिक स्वभाव की वेगवती धारा ही उन्हें बलात् उधर बहा ले जाती। वे दर्शन दुर्लभ विभिन्न देवी देवताओं से अथवा प्राचीन अवतारी महापुरुषों से वार्तालाप किया करते, पर ये सारे दर्शन द्वैत की सीमा के भीतर होते थे, जो आध्यात्मिक अनुभूतियों की चरम अवस्था नहीं है। उन्हें वो चरमावस्था प्राप्त करना अभी बाकी था, जहां पहुंचकर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक अविभाज्य चेतन तत्व में एकीभूत हो जाते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां देश महाशून्य में अदृश्य हो जाता है, काल अनंत में खो जाता है तथा निमित्त अतीत का स्वप्न हो जाता है। केवल वही इस अवस्था को जान पाता है जिसने इसका अनुभव किया है। यह अव्यक्त परम शांति की अवस्था है। अपने आखिरी संघर्ष के बाद आत्मा सापेक्ष सत्ता के अंतिम प्राचीर को लांग जड़ जड़वत के कारागार को तहस नहस कर ब्रह्म के अनंत महिमामय स्वरूप में लीन हो जाता है। इसे ही निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जो अद्वैत दर्शन की सर्वोच्च सीढ़ी है। ये मनुष्य की आध्यात्मिक साधना की परम महिमा मंडित अवस्था है तथा उसके विकास क्रम की अंतिम गति है। इसके पश्चात और कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, शरीर के परिवर्तन के साथ और कोई तादात्म्य नहीं। वो इस सापेक्ष जगत के समस्त विकारों को जीर्ण वस्त्रों की तरह त्याग देता है। वो एक अद्वितीय शाश्वत ब्रह्म के साथ एक आत्मा का अनुभव कर लेता है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि श्री राम कृष्ण इस अवस्था को प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी थे। भूमि जुती जुताई तैयार थी, केवल बीज डालने की देर भर थी। ऐसे ही समय में दक्षिणेश्वर के उद्यान वाटिका में एक अद्भुत सन्यासी का पदार्पण हुआ। उनका नाम था तोतापुरी। पंजाब का शरीर था उनका, अल्पावस्था में ही वे संसार त्यागी हुए थे। उन्होंने एक योगी के पास दीक्षा प्राप्त की थी। ये योगी लड़ाना के एक नागा संप्रदाय के अखाड़े के महंत थे। कहा जाता है कि तोतापुरी नर्मदा तट के किसी निर्जन वन में साधना रत हुए थे तथा 40 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने निर्विकल्प समाधि की उपलब्धि की थी। गुरु के देहांत के पश्चात तोतापुरी उनकी जगह गद्दी पर आसीन हुए। वे जीवन मुक्त थे, सांसारिक सुख दुख के प्रति सर्वथा उदासीन थे, अतः उन्होंने जीवन का शेष भाग तीर्थ स्थानों के भ्रमण में बिताने का निश्चय किया। निर्द्वंद सिंह की भांति वे इच्छा अनुसार सारे देश में भ्रमण करते रहे। पुरी और गंगा सागर की यात्रा कर वे गंगा के किनारे लौटते समय दक्षिणेश्वर आ पहुंचे और यहीं उनकी भेंट श्री रामकृष्ण से हुई। श्री रामकृष्ण के तेजस्वी चेहरे ने तोतापुरी का ध्यान तत्काल ही आकृष्ट कर लिया। वे देखते ही समझ गए कि श्री रामकृष्ण एक उच्च कोटि के सत्यान्वेषी साधक हैं। उनसे अत्यंत प्रभावित हो तोतापुरी ने पूछा, क्या तुम वेदांत की साधना करोगे? श्री रामकृष्ण ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ मेरी मां पर निर्भर करता है। यदि वे आज्ञा दें तो मैं आपकी राय स्वीकार करूंगा। तोतापुरी बोल उठे, अच्छा तो जाओ और अपनी माता से पूछ आओ, मैं यहां पर ज्यादा नहीं रुकूंगा। श्री रामकृष्ण काली मंदिर में गए और सारी बातें मां से कह सुनाई तथा भाव अवस्था में मां की आज्ञा सुनी। हां बेटे, जाओ उनसे शिक्षा ग्रहण करो, इसी कार्य के लिए उनका यहां आना हुआ है। अर्धबाह्य चेतनावस्था में उद्भासित मुखमंडल के साथ श्री रामकृष्ण वापस लौटे और तोतापुरी से कहा कि मां ने आज्ञा दे दी है।
जब तोतापुरी को यह मालूम हुआ कि मंदिर में स्थित प्रतिमा को ही यह युवक मां के नाम से संबोधित करता है, तो उसका अंधविश्वास देखकर वे अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए। वेदांती होने के फलस्वरूप वे ब्रह्म की चेतनामयी शक्ति को, जिसे श्री रामकृष्ण मां के रूप में पूजते थे, सिवाय माया के कुछ और नहीं समझते थे। जो भी हो, उन्होंने श्री रामकृष्ण से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने विचार किया कि उनके प्रशिक्षण में शिष्य शीघ्र ही सत्य को जान जाएगा और अंधविश्वास से अपने आप मुक्त हो जाएगा। वेदांत की साधना में अग्रसर होने से पहले यह जरूरी था कि श्री रामकृष्ण संन्यास में दीक्षित हों। उन्होंने तोतापुरी से कहा कि उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते ये गुप्त रीति से हो, क्योंकि तब उनकी माता दक्षिणेश्वर मंदिर के पवित्र अहाते के भीतर निवास कर रही थीं। अपने पुत्र को मुंडित केश सन्यासी के वेश में देखकर उन्हें भारी आघात पहुंचता। तोतापुरी इस पर सहमत हो गए और एक शुभ दिन उन्होंने शिष्य को प्रारंभिक क्रिया आदि संपन्न करने का आदेश दिया। जैसा गुरु कहते गए, श्री रामकृष्ण ठीक वैसा ही करते गए। रात्रि प्रायः शेष होने पर आ गई। गुरु और शिष्य अब ध्यान कुटी में प्रविष्ट हुए। गुरु पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगे और शिष्य उन्हें पुनरुच्चारित कर इहलोक और परलोक की समस्त सुख कामना का त्याग करते हुए पवित्र अग्नि में आहुति देने लगा। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण ने गुरु को साष्टांग दंडवत किया और उनसे अद्वैत वेदांत का उपदेश ग्रहण करने के लिए वे आसन पर विराजित हुए। तोतापुरी कहने लगे, ब्रह्म नित्य मुक्त, देश काल निमित्त द्वारा अपरिछिन्न एकमात्र सद्वस्तु है। साधक जब समाधि के परमानंद में लीन हो जाता है, तब निगूढ़ माया जनित देश काल अथवा नाम रूप का कोई भान नहीं रहता। अतः नाम रूप के पिंजड़े को तोड़कर सिंह की भांति बाहर निकल जाओ, आत्मा के अनुसंधान में गहरी डुबकी लगाओ और समाधि के द्वारा उसमें दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाओ। इस प्रकार तोतापुरी ने उस दिन श्री रामकृष्ण को अपना मन दृढ़ संकल्प के द्वारा उस परम तत्व में केंद्रित करने में सहायता देने की कोशिश की। श्री रामकृष्ण के ही शब्दों में उसका वर्णन करते हैं, दीक्षा के पश्चात न्यांगटा ने मुझे अपना मन समस्त विषयों से हटाकर आत्मा में प्रतिष्ठित करने के लिए कहा। मुझे सिवाय एक वस्तु के अन्य समस्त पदार्थों से मन को अलग करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वो थी मां आनंदमयी की चिर परिचित दिव्य कांति युक्त विशुद्ध चेतनमयी मूर्ति, जो मेरे लिए एक जीवंत सत्य थी तथा जो मुझे नाम रूप की सीमा के परे जाने से रोक रही थी। निराश होकर मैंने न्यांगटा से कहा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपना मन निरुपाधिक ब्रह्म में लीन कर आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूं। न्यांगटा, तोतापुरी जी ने उत्तेजित होकर तिरस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, तुम्हें करना होगा। चारों ओर दृष्टि फेंक कर एक कांच का टुकड़ा पा उसकी नोक को मेरे भ्रूमध्य में गड़ाते हुए उन्होंने कहा, मन को इस बिंदु पर केंद्रित करो। मन में दृढ़ संकल्प कर मैं पुनः ध्यान में बैठा और जैसे ही जगन माता की चिन्मयी मूर्ति फिर से मेरे सम्मुख प्रकट हुई, मैंने ज्ञान खड़क की कल्पना कर उससे मूर्ति के दो टुकड़े कर दिए। अब मन में अन्य कोई विकल्प नहीं रहा और वो नाम रूप की सत्ता से ऊपर उठ गया और मैं समाधि में लीन हो गया। तोतापुरी बड़ी देर तक बैठे शांत भाव से शिष्य की चौकसी करते रहे। उन्हें पूरी तरह निश्चल देख दरवाजे पर ताला लगाकर वे बाहर निकल आए। 3 दिन बीत गए पर भीतर से कोई पुकार नहीं आई। विस्मया व्याकुल हो द्वार खोल तोतापुरी भीतर आए और देखा कि श्री रामकृष्ण ठीक उसी आसन में बैठे हुए हैं जिसमें वे उन्हें छोड़कर गए थे। आश्चर्य से स्तब्ध हो तोतापुरी खड़े खड़े ये अद्भुत दृश्य देखते रहे।
और अपने आप ही बोल उठे, क्या यह सचमुच में सत्य है? क्या यह संभव है कि जिसे प्राप्त करने में मुझे जीवन के 40 वर्ष कठोर साधना में बिताने पड़े, इस व्यक्ति ने एक ही दिन में उसे प्राप्त कर लिया? शंका दूर करने के लिए उन्होंने श्री रामकृष्ण की बारीकी से जांच की और विस्मय और आनंद से उल्लासित हो वे चिल्ला उठे, ये कैसी दैवी माया है? वास्तव में वो निर्विकल्प समाधि थी जो कि अद्वैत साधना का चरम लक्ष्य है। तोतापुरी ने तुरंत श्री रामकृष्ण का मन दृश्य जगत में लाने की प्रक्रिया आरंभ की। इससे धीरे धीरे उनकी चेतना बाह्य जगत में लौटने लगी। उन्होंने आंखें खोली और गुरु को अपनी ओर स्नेह और प्रशंसा भरी दृष्टि से निहारते देखा। वे गुरु चरणों में लुंठित हो उठे और गुरु ने इसके उत्तर में अपने योग्य शिष्य को प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया। तोतापुरी किसी भी स्थान में प्रायः 3 दिन से अधिक नहीं रुकते थे, पर वे अपने इस अद्भुत नए शिष्य को अद्वैत के चरम शिखर पर दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित करने के इच्छुक थे। अतः उन्होंने दक्षिणेश्वर में 11 महीने निवास किया। इस बीच तोतापुरी में कुछ मानसिक परिवर्तन भी घटित हुआ। हमने देखा है कि तोतापुरी किस प्रकार श्री रामकृष्ण की जगन्माता के प्रति पूजा अर्चना को एक अंधविश्वास मानते थे, किंतु बाद में परिस्थितियों ने उन्हें जगन्माता के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए बाध्य किया। दक्षिणेश्वर छोड़कर जाने के पहले उन्हें यह अनुभव हो गया कि ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, ये एक ही वस्तु के 2 पक्ष हैं। तोतापुरी के दक्षिणेश्वर से प्रस्थान करने के पश्चात श्री रामकृष्ण ने विषय और विषयीगत समस्त अनुभवों से परे पर ब्रह्म के साथ सर्वतोभावेन तद्रूप रहने का निश्चय किया। इस अवस्था में वे 6 महीने रहे। जीवन के इस काल का उल्लेख करते हुए वे कहा करते थे, मैं लगातार 6 महीने तक इस अवस्था में रहा जिसमें साधारण मनुष्य पहुंचकर फिर वापस नहीं लौटता। शरीर 21 दिन में सूखे पत्ते की भांति झड़ जाता है। मुझे दिन और रात का कोई होश नहीं रहता था। मक्खियां मेरे नाक मुंह में उसी तरह घुस जाती जैसे मृत देह में, परंतु मुझे इसका भान नहीं होता था। धूल के कारण केशों की जटा बन गई थी। अगर दक्षिणेश्वर में उन दिनों ठहरे एक साधु ने इस शरीर की सेवा न की होती तो यह नहीं टिकता। वो नियमित रूप से मेरे लिए भोजन लाता और जैसे ही मुझे होश में आते देखता जबरदस्ती भोजन का कौर मेरे मुंह में ठेल देता। उनका थोड़ा सा भाग ही पेट में जा पाता। 6 मास इसी प्रकार बीते। अंत में मैंने मां का आदेश पाया, लोक शिक्षा के लिए भावमुखी होकर रहे। उसके बाद ही मैं भीषण आंव के रोग से ग्रस्त हुआ। ये 6 मास तक चला और तब कहीं मन धीरे धीरे नीचे उतरा और शरीर की चेतना आई। अद्वैतानुभूति के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण का मन ऐसे अद्भुत विस्तार को प्राप्त हुआ था कि वे समस्त धर्मों को पूर्णत्व की प्राप्ति के विभिन्न पथों के रूप में मानते थे। आमाशय रोग से मुक्ति पाने के शीघ्र पश्चात सन 1866 के शेष काल में वे सूफी संत गोविंद राय की श्रद्धा और भक्ति से प्रभावित हुए। गोविंद राय ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था तथा उन दिनों वे दक्षिणेश्वर में रह रहे थे। श्री रामकृष्ण के मन में क्रमशः ये भाव उदित हुआ कि चूंकि इस्लाम भी भगवत प्राप्ति का एक मार्ग है, अतः देखना चाहिए कि भगवान इस मार्ग के अनुयायियों पर किस प्रकार कृपा करते हैं। उन्होंने गोविंद राय से आवश्यक दीक्षा ग्रहण की और अपनी विशिष्ट लगन के साथ इस नए धर्म की साधना में प्रवृत्त हुए। अपनी उस समय की मानसिक स्थिति का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया था, तब मैं अल्लाह का नाम जपता, कपड़ा ठीक मुसलमानों की तरह पहनता और नियमित रूप से नमाज पढ़ता। मन से सारे हिंदू संस्कार पूरी तरह निकल गए थे। हिंदू देवी देवताओं को प्रणाम नहीं करता था। इतना ही नहीं, उनके दर्शन करने की भी इच्छा मुझे नहीं होती थी।
3 दिनों के पश्चात मुझे उस भक्ति पथ के चरम लक्ष्य की अनुभूति हुई। सर्वप्रथम उन्हें दीर्घ दाढ़ी युक्त एक तेजोमय गंभीर आकृति वाले पुरुष के दर्शन हुए और फिर उनका मन सगुण ब्रह्म का अनुभव करते हुए अंत में निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गया। अद्वैत की सिद्धि के पश्चात उनकी इस्लाम साधना ने इस सत्य को पूर्ण रूपेण स्पष्ट कर दिया कि समस्त धर्मों के आधार स्वरूप केवल अद्वैत के माध्यम से ही हिंदू और मुसलमान एकता के सूत्र में बंधे रह सकते हैं। 7 वर्षों के पश्चात उन्होंने इसी प्रकार ईसाई धर्म की भी अनुभूति की। वे सन 1874 में कलकत्ते के शंभुनाथ मलिक से घनिष्ठ रूप से परिचित हुए। मलिक का दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पास ही एक उद्यान भवन था। श्री रामकृष्ण उनकी उद्यान वाटी में काफी समय बिताया करते। शंभु मलिक उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा और भक्ति रखते थे तथा मथुरानाथ के देहांत के पश्चात वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ईसाई ना होते हुए भी वे श्री रामकृष्ण के सम्मुख बाइबल पाठ करते और इस प्रकार श्री रामकृष्ण ईसा और ईसाई धर्म से परिचित हुए थे। उनके भीतर इस नए पथ के माध्यम से जगन माता के दर्शन की अभिलाषा बलवती हुई और वो एक विचित्र तरीके से पूर्ण हुई। एक दिन श्री रामकृष्ण एक निकटवर्ती भक्त यदुनाथ मल्लिक के बैठक खाने में बैठे हुए थे। दीवारों पर सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। उनमें से एक तस्वीर माता की गोद में बैठे हुए ईसा की भी थी। श्री रामकृष्ण तन्मय हो मैडोना और दिव्य शिशु के उस चित्र की ओर निहार रहे थे, साथ ही ईसा के अद्भुत चित्र का चिंतन भी कर रहे थे। ऐसे ही समय उन्हें सहसा प्रतीत हुआ मानो चित्र जीवंत हो उठा है और मेरी तथा ईसा के शरीर से प्रकाश की रश्मियां उद्भासित हो उनके भीतर प्रवेश कर रही हैं तथा उनके समस्त मानसिक भावों को एक बारगी परिवर्तित किए दे रही हैं। जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके हिंदू संस्कार इस प्रबल नूतन विचारधारा द्वारा दबा दिए जा रहे हैं तो उन्होंने इसे रोकने का भरसक प्रयास किया और जगन माता से व्यग्र हो प्रार्थना करने लगे, मां ये तुम मुझे क्या दे रही हो? पर सब व्यर्थ रहा। हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनकी प्रेम भक्ति इस प्रबल तरंग की प्रवाह में बह गई और उसके स्थान पर ईसा तथा ईसाई धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति ने उनके हृदय पर अधिकार जमा लिया। उनकी आंखों के सामने एक दृश्य उपस्थित हुआ कि गिरजाघर में ईसाई भक्त ईसा की प्रतिमा के सम्मुख धूप और मोमबत्ती प्रज्वलित कर अपने हृदय के आंतरिक भावोद्गार व्यक्त कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों तक ये विचार उनके मन को घेरे रहे। 4th दिन जब वे पंचवटी में घूम रहे थे, उन्होंने एक अलौकिक गंभीर आकृति के व्यक्ति को अपनी ओर एकटक निहारते तथा क्रमशः समीप आते देखा। वे तुरंत जान गए कि ये विदेशी हैं तथा उनकी ओर आकृष्ट हो आश्चर्य से विचार करने लगे कि ये कौन है। जब आकृति निकट पहुंची तो श्री रामकृष्ण के अंतःस्थल में ये ध्वनित हुआ, ये तो ईसा मसीह है जिन्होंने अपने हृदय का रक्त मानव समाज के उद्धार के लिए बहा दिया और जिसके लिए वे आजीवन कष्ट सहते रहे। प्रेम घन मूर्ति योगीराज ईसा के अतिरिक्त वे और कौन हो सकते हैं? इतने में देव मानव ईसा ने उनका आलिंगन किया और वे उनके शरीर में विलीन हो गए। श्री राम कृष्ण बाह्य चेतना विहीन हो समाधि में डूब गए। इस प्रकार उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि ईसा ईश्वर के अवतार थे। यहां पर बुद्ध तथा अन्य धर्म प्रवर्तकों के बारे में श्री रामकृष्ण के विचार जानना अप्रासंगिक न होगा। बुद्ध को वो हिंदुओं की सामान्य धारणा के अनुसार अवतार मानते थे तथा उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति रखते थे। एक बार उन्होंने कहा था, भगवान बुद्ध के अवतारत्व के बारे में तनिक भी संदेह की बात नहीं, उनके उपदेशों और वैदिक ज्ञान कांड में कोई भेद नहीं। इसमें तनिक भी शंका नहीं कि उनकी ये युक्ति उनकी अलौकिक अंतर्दृष्टि के परिणाम स्वरूप थी। जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकरों तथा सिखों के 10 गुरुओं के बारे में श्री रामकृष्ण ने
अपने परवर्ती काल में इन संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा बहुत कुछ सुना था और उनके प्रति वे बड़े श्रद्धान्वित हुए थे। इस प्रकार समस्त साधनाओं की अनुभूतियों के फलस्वरूप उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि सभी धर्म सत्य हैं तथा प्रत्येक मत ईश्वर उपलब्धि का एक मार्ग है। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, ये तीन महान दर्शन उनकी दृष्टि में मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ाने की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। ये परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के परिपूरक हैं तथा विभिन्न मानसिक स्तर के लोगों की सुविधा के लिए हैं। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे, मैंने सभी धर्मों की साधनाएं की, हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों का तथा हिंदू धर्म के विभिन्न मतों का भी मैंने अनुसरण किया। मैंने देखा कि वे सब के सब उसी एक ईश्वर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, भले ही मार्ग अलग अलग हैं। तालाब के कई घाट हैं, एक में हिंदू अपने घड़े में जल भरता है, कहता है जल, दूसरे में मुसलमान मशक में जल भरता है, कहता है पानी, तीसरे में ईसाई जल भरता है, कहता है वाटर। क्या हम सोच सकते हैं कि जल, पानी या वाटर नहीं है? ये कैसी बेतुकी बात है। वस्तु केवल एक ही है, मात्र नाम अलग अलग हैं और सभी उसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। संसार के प्रत्येक धर्म इसी प्रकार एक एक घाट हैं। पूरी सच्चाई और लगन के साथ इनमें से किसी एक घाट के द्वारा सीधे चले जाओ, तुम उसी अनंत आनंद रूप वारी को प्राप्त हो जाओगे। पर यह न कहो कि तुम्हारा धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। विभिन्न संप्रदाय एक ही ईश्वर को पाने के विभिन्न मार्ग हैं। कलकत्ते के काली घाट की मां काली के मंदिर में पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, उसी प्रकार भगवान के घर पहुंचने के भी अलग अलग रास्ते हैं। प्रत्येक धर्म और कुछ नहीं, एक एक रास्ता मात्र है। मन और बुद्धि के द्वारा, शब्दों और विचारों के माध्यम से अधिक विशिष्टाद्वैत तक ही जाया जा सकता है, उसके आगे नहीं। किंतु पूर्णत्व की प्राप्ति होने पर ब्रह्म और जगत दोनों ही बराबर सत्य प्रतीत होते हैं। ईश्वर का नाम, उनका धाम तथा वे स्वयं ही चिन्मय तत्व द्वारा निर्मित दीख पड़ते हैं। प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममय है, अंतर केवल रूप में ही है। अद्वैत आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, वो समाधि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वो मन और वाणी से परे है। श्री रामकृष्ण को अब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि उनके ये समस्त असाधारण आध्यात्मिक संघर्ष और अनुभूतियां उनके स्वयं के लिए नहीं थीं, बल्कि वे आध्यात्मिक जागरण के एक नए युग की उद्घोषक थीं। वे सारे मानव समाज को ये प्रदर्शित करने के लिए थीं कि ईश्वरानुभूति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निरसन किस प्रकार किया जाए। वे जान गए थे कि वे ईश्वर अवतार हैं, पर इसका किसी भांति उल्लेख उन्हें पसंद न था। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्री रामकृष्ण आमाशय से आक्रांत होने के पश्चात बड़े कमजोर हो गए थे। अतः स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से उन्होंने हृदय और भैरवी ब्राह्मण के साथ 1867 के मई मास में कामरपुकुर की यात्रा की। वहां वे 6-7 महीने ठहरे। दक्षिणेश्वर की तूफानी साधना के पश्चात गांव के सरल प्रकृति लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होने से उन्हें बड़ी शांति मिली। उनकी बालिका वधु शारदा देवी उस समय पिता के पास जयराम बाटी में रहती थी। श्री रामकृष्ण के कामरपुकुर आगमन के कुछ दिनों पश्चात उन्हें वहां बुला लिया गया। शारदा देवी, जो बाद में श्री रामकृष्ण की भक्त मंडली में श्री मां के नाम से परिचित हुई, कामरपुकुर आ पहुंची। अब श्री रामकृष्ण के सम्मुख अपनी उपलब्धियों की परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ। 14 वर्षीय पत्नी को उसका समुचित अधिकार प्रदान कर उन्होंने अपने को अग्नि परीक्षा में डाल दिया और उसमें से वे और भी दैदीप्यमान हो बाहर निकले। उन्होंने ये विशेष ध्यान रखा कि शारदा मणि गृह कार्यों में सब प्रकार से निपुण हो।
शारदा देवी अपने संत पति के निस्वार्थ प्रेम को पाकर मुग्ध हो गईं। उन्होंने उन्हें अपना इष्ट मान उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर अपने चरित्र को विकसित करने में संतुष्टि का अनुभव किया। श्री रामकृष्ण ने उन्हें न केवल आध्यात्मिकता की शिक्षा दी वरन उन समस्त ऐहिक वस्तुओं की भी, जिससे वे एक आदर्श गृहिणी हो सके। पर पत्नी के प्रति उनकी ये कर्तव्य परायणता भैरवी ब्राह्मणी को पसंद नहीं आई। शायद उन्हें यह भय हुआ कि इससे श्री रामकृष्ण का साधु जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पर श्री रामकृष्ण ने उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया। वे अविचलित रहे और ब्राह्मणी के प्रति पहले की भांति श्रद्धान्वित रहे। मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो भैरवी अपनी उपलब्धियों के बावजूद अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाईं। पर बाद में उन्होंने अपनी गलती महसूस की। एक दिन वे चंदन का लेप और फूलमाला लिए श्री रामकृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने बड़े यत्न के साथ ये फूलमाला तैयार की थी। उन्होंने श्री रामकृष्ण को इन वस्तुओं के द्वारा चैतन्य के अवतार के रूप में सजाया और उनसे क्षमा याचना कर कामारपुकुर से विदा हुई। गांव के शांतिमय सुखद वातावरण में दीर्घकालीन निवास के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण का खोया हुआ स्वास्थ्य लौट आया और वे हृदय के साथ दक्षिणेश्वर वापस चले आए। भगवान के प्रेम में पगे पति के पुनीत सहचर्य से शारदा मणि के पवित्र हृदय को अनुपम आनंद मिला। उन्होंने इस आनंद का उल्लेख करते हुए बाद में कहा था, मुझे ऐसा अनुभव होता था मानो किसी ने अमृत का घड़ा सदा के लिए मेरे हृदय में रख दिया हो। इसके बाद 4 वर्ष बीत गए। शारदा देवी 18 वर्ष की युवती हुई। इस बीच एक तेज उड़ती खबर उनके सुनने में आई कि उनके पति एकदम पागल हो गए हैं। बहुत सोच विचार कर उन्होंने स्वयं दक्षिणेश्वर जाकर इसका पता लगाने का निश्चय किया। वे अपने पिता के साथ मार्च सन 1872 में वहां पहुंची। श्री रामकृष्ण ने उनके प्रति वैसा ही स्नेह और यत्न प्रदर्शित किया जैसा कि उन्होंने पहले किया था। उन्होंने उनके निवास की व्यवस्था नौबत खाने में अपनी माता के पास कर दी, जो अपने अंतिम दिन गंगा के किनारे बिताने की इच्छा से वहां आ गई थी। दक्षिणेश्वर में कुछ दिन रहने से शारदा देवी को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री रामकृष्ण का दृष्टिकोण उनके प्रति जरा भी नहीं बदला है। उन्होंने वहीं रहकर अपने पति और सास की सेवा में अपने को नियोजित कर देने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण ने फिर से पत्नी को प्रशिक्षित करने का पुराना कार्य अपने हाथ में लिया। अपनी अनुभूतियों को कसौटी पर कसते हुए वे पति के दायित्व का निर्वाह करने लगे। उनकी शिक्षा बहुमुखी थी, जिसमें गृह कार्य से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक सन्निहित था। वे केवल हिदायतें देकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वरन देखते थे कि शारदा देवी उन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित कर रही हैं या नहीं। त्रुटि होने पर वे उन्हें स्नेहपूर्वक समझा देते थे। श्री मां के दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ माह पश्चात श्री रामकृष्ण के मन में एक विचित्र इच्छा का स्फुरण हुआ। उसे उन्होंने शीघ्र पूर्ण कर भी लिया। वो 5 जून 1872 की अमावस्या की रात्रि थी। काली पूजा का वो शुभ पर्व था। श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में पूजा की विशेष व्यवस्था करवाई और श्री मां को वहां उपस्थित होने का निर्देश दिया। श्री मां रात में 9 बजे उपस्थित हुईं। पूजा की प्रारंभिक तैयारी कर उन्होंने श्री मां को देवी के लिए निर्दिष्ट आसन पर बैठने के लिए कहा। शारदा देवी उस समय अर्धबाह्य दशा में थीं। उन्हें देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर श्री रामकृष्ण ने औपचारिक पूजा संपन्न की। पूजा के दौरान शारदा देवी समाधि में मग्न हो गईं। श्री रामकृष्ण भी मंत्रों की समाप्ति के पश्चात निर्विकल्प समाधि में डूब गए। देवी और पुजारी दोनों आत्मा में एकाकार हो गए। मध्य रात्रि में श्री रामकृष्ण किंचित प्रकृतिस्थ हुए और उन्होंने समुचित मंत्रों के द्वारा फल सहित अपने जीवन की समस्त साधनाओं को, स्वयं को तथा अपनी जपमाला को श्री मां के चरणों में समर्पित कर उन्हें प्रणाम किया। इस पवित्र अनुष्ठान के साथ जो तंत्रों में जगन्माता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अथवा षोडशी पूजा के नाम से वर्णित है, श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक साधनाओं की लंबी श्रृंखला समाप्त हुई। एक दिन शारदा देवी ने उनके पैर दबाते समय उनसे पूछा, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? उन्हें तत्काल ही उत्तर मिला, जो मां मंदिर में पूजित होती है तथा जिसने इस शरीर को जन्म दिया
और अभी नौबत खाने में निवास कर रही है, वही इस समय मेरे पैर दबा रही है। सचमुच मैं तुम्हें आनंदमयी के रूप में ही देखता हूं। इस प्रकार महीनों पर महीने बीतते गए, पर इस दिव्य दंपत्ति का मन क्षण भर के लिए भी इंद्रिय धरातल पर नहीं उतरा। ये इसलिए संभव हुआ कि पति पत्नी दोनों का मन ब्रह्म के साथ एक रस हो चुका था। बाद में श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा था, विवाह के पश्चात मैंने जगन माता से व्यग्र हो प्रार्थना की थी कि मां, तू उसके मन से ऐन्द्रिक सुख की कामना को जड़ से दूर कर दे। उसके सहचर्य में मुझे अनुभव हो गया कि मेरी यह प्रार्थना सुन ली गई। पिछले अध्याय के अंत में वर्णित घटनाओं के 4 वर्ष पहले अर्थात सन 1868 में मथुर और उसकी पत्नी ने उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा की तैयारी की और चाहा कि श्री रामकृष्ण भी उनके साथ सम्मिलित हों। बहुत अनुनय विनय के बाद श्री रामकृष्ण साथ जाने के लिए तैयार हुए। वे सब 27 जनवरी को रवाना हुए तथा देवघर पहुंचकर वहां वैद्यनाथ धाम के लिए कुछ दिन रुके। वहां एक रोचक घटना हुई। एक दिन जब श्री रामकृष्ण निकट के एक गांव से गुजर रहे थे तो वे वहां के लोगों की दयनीय दशा देख अत्यंत दुखी हुए। करुणा से व्यथित हो वे मथुर से बोले, तुम मां के भंडारी हो, इन गरीबों को खिलाओ और प्रत्येक को एक एक कपड़ा दो। मथुर पहले हिचकिचाए और बोले, बाबा इस यात्रा में ही बहुत सा पैसा खर्च होगा, फिर इन लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। अगर हम लोग प्रत्येक को खाना और कपड़ा देने लगे तो यात्रा के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। फिर आप जैसा चाहें। पर श्री रामकृष्ण अपनी बात पर अटल रहे। वे लोगों की दयनीय दशा देख आंसू बहाने लगे और दुखित होकर कहने लगे, तुम्हें धिक्कार है, मुझे काशी नहीं जाना है, मुझे इन असहाय लोगों के साथ रहना पसंद है। और ऐसा कह वे एक जिद्दी बालक की भांति मथुर का साथ छोड़ गरीब गांव वालों के साथ जा बैठे। उनकी करुणा देखकर मथुर बहुत ही द्रवित हुए और उन्होंने गांव वालों में वितरित करने के लिए कलकत्ते से कपड़ों की गांठें मंगवाई और उन्हें भोजन भी करवाया। ये देख श्री रामकृष्ण प्रसन्न चित्त से काशी के लिए रवाना हुए। जैसे नौका वाराणसी के निकट पहुंची, श्री रामकृष्ण को भगवान शंकर की ये नगरी सोने की बनी हुई प्रतीत हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो ये आध्यात्मिकता का घनीभूत पिंड है तथा यहां असंख्य साधुओं और भक्तों की बहुमूल्य चिंतन राशि घनीभूत होकर विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप ये देवताओं का वास बन गया है। श्री रामकृष्ण प्रायः रोज ही काशी के अधिष्ठाता देवता भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते और मार्ग में तथा विग्रह के सामने समाधि मग्न हो जाते। वे काशी के प्रसिद्ध संतों से भेंट करने के लिए भी जाते थे। एक दिन वे सुविख्यात त्रैलंग स्वामी के दर्शनों के लिए गए, जो उन दिनों मौन व्रत का पालन कर रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें आसन ग्रहण करने का इशारा किया और स्वागत के रूप में अपनी सुंघनी की डिब्बिया उनके सामने रख दी। श्री रामकृष्ण ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर उन्होंने इशारे से दिया। त्रैलंग स्वामी उन दिनों एक स्नान घाट का निर्माण करा रहे थे। श्री रामकृष्ण के आदेश पर एक सेवक ने कुछ फावड़े मिट्टी खोदकर इस कार्य में योगदान दिया। इससे त्रैलंग स्वामी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें मथुर के यहां निमंत्रित किया और बड़े आदर के साथ उनका सत्कार किया। काशी में एक हफ्ते रुककर यात्री दल इलाहाबाद की ओर अग्रसर हुआ। वहां सबने गंगा यमुना के पवित्र संगम पर स्नान किया। 3 दिन बाद दल काशी लौट आया। 15 दिनों के पश्चात श्री रामकृष्ण और उनकी मंडली वृंदावन के लिए रवाना हुए। वहां के अवस्थान काल में श्री रामकृष्ण सदा उच्च भाव में लीन रहते थे। श्री कृष्ण की अगणित मधुर स्मृतियों से जुड़ा हुआ ये पवित्र स्थल उनके हृदय को अवर्णनीय भावों से भर देता था। तनिक सा भी संकेत उन्हें प्रेमानंद में डुबो देने के लिए पर्याप्त था। बड़ी मुश्किल से वे अपनी भावनाओं को काबू में रख पाते थे, जो कभी कभी समस्त बांधों को तोड़ उन्हें दीर्घ गहरी समाधि में मग्न कर देती थीं। वृंदावन में उनकी भेंट एक वैष्णव भक्त महिला गंगा माता से हुई, जो अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए विख्यात थीं। 60 वर्षीय इस महिला ने अपने जीवन का अधिकांश भाग इसी पवित्र स्थान में व्यतीत किया था। पहली ही दृष्टि में उन्होंने श्री रामकृष्ण की महानता को परख लिया और उनके दर्शन कर अपने को धन्य माना।
श्री राम कृष्ण भी उनकी धर्मपरायणता और भक्ति देख बड़े प्रभावित हुए। वृंदावन में श्री राम कृष्ण करीब 15 दिन ठहरे, वहां से मथुरा भी गए। ठीक वृंदावन की भांति मथुरा में भी वे अनिर्वचनीय आध्यात्मिक भाव में विभोर रहे। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति से जुड़े हुए स्थलों को देख उनका मन सदा ऊर्ध्वगामी बना रहता। श्री रामकृष्ण अपनी मंडली के साथ अब वाराणसी लौटे, वहां वे मई महीने तक ठहरे। वापसी यात्रा में मथुर की गया दर्शन की इच्छा थी, पर श्री रामकृष्ण की वहां जाने की अनिच्छा देख उन्हें अपना इरादा त्याग देना पड़ा। श्री रामकृष्ण ने सोचा कि यदि उन्होंने एक बार भी उस तीर्थ का दर्शन किया तो उनका मन फिर इस भौतिक धरातल को सदा के लिए छोड़ जाएगा। अपने जन्म के पूर्व पिता को हुए दर्शन के बारे में वे जानते थे और इसीलिए उन्हें विश्वास था कि वहां उनका मन सदा के लिए ईश्वर में लीन हो जाएगा। उन्होंने अपने को जगन्माता का यंत्र समझा था तथा अपने शरीर को संसार में रखकर उनके दैवी कार्य को संपादित करने की उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया था। अतः यात्रा दल सीधे ही कलकत्ता लौट आया। मथुर को श्री रामकृष्ण से प्रथम भेंट हुए 16 वर्ष बीत चुके थे। इस बीच मथुर के मन में आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित हुए थे। जुलाई सन 1871 में मथुर अचानक टाइफाइड बुखार से ग्रस्त हुए। श्री रामकृष्ण को यह पहले ही मालूम पड़ गया था कि यह मथुर का अंतिम समय है। वो दुर्दिन भी उपस्थित हुआ। मथुर को कालीघाट ले जाया गया। उस दिन श्री रामकृष्ण 2-3 घंटे तक गहरी समाधि में डूबे रहे। शाम को 5 बजे के बाद उनकी चेतना लौटी और उन्होंने हृदय को बुलाकर कहा कि मथुर की आत्मा जगन माता के पास चली गई। रात बीते दक्षिणेश्वर में यह समाचार पहुंचा कि मथुर की मृत्यु ठीक 5 बजे हुई। मथुर के देहांत के साथ ही एक ऐसा व्यक्ति उठ गया जो श्री रामकृष्ण के साथ उनके जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल में घनिष्ठता के साथ संबद्ध था। श्री रामकृष्ण अपने भक्तों से मिलने की आत्यंतिक कामना से विकल हो रहे थे ताकि वे उन्हें मानवता तथा संसार के कल्याण के लिए अपनी अनुभूतियां प्रदान कर सकें। ये भक्त जगन्माता की निर्दिष्ट और अनुग्रहित संतान थे। इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण बाद में कहा करते थे, मेरी उस समय की व्याकुलता की कोई सीमा न थी। दिन में किसी प्रकार मैं अपने को संभाल लेता था। संसारी लोगों की विषय चर्चा मुझे संतरस्त कर देती और मैं व्याकुल हो उस दिन की बाढ़ जोता जब मेरे अंतरंग भक्त आते और मैं उनसे बातचीत कर शांति पा सकता तथा अपनी अनुभूतियों को उनके पास प्रकट कर अपने मन के भार को हल्का कर सकता। छोटी छोटी घटनाएं भी मुझे उनकी याद दिला देती और उनकी स्मृति मेरे मन को पूरी तरह निमग्न किए रहती। संध्या समय जब मंदिर में आरती के समय घंटा और शंख ध्वनि होती तो मैं उद्यान वाटी की छत पर चढ़ जाता और अपने हृदय की व्यथा से तड़पता हुआ पूरी शक्ति के साथ चिल्ला उठता, अरे बच्चों तुम कहाँ हो, चले आओ, तुम्हारे बिना मेरा जीना असह्य हो उठा है। जिस व्याकुलता से मैं उनके लिए बिलखता, कोई माँ अपने बच्चे को देखने के लिए अथवा मित्र अपने सखा के लिए या कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या बिलखेगा, ओह मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इस व्याकुलता के शीघ्र बाद ही भक्तों का आना प्रारंभ हुआ। श्री रामकृष्ण की पुकार पर पहले जो 2 व्यक्ति आए थे वे थे रामचंद्र दत्त और मनमोहन मित्र। दोनों चचेरे भाई थे और कलकत्ता में रहते थे। रामचंद्र दत्त डॉक्टर थे और कलकत्ते के मेडिकल कॉलेज में अध्यापक थे। उन्हें श्री रामकृष्ण के बारे में जानकारी केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र से मिली थी और सन 1879 में एक दिन संध्या वे और मनमोहन दक्षिणेश्वर पहुंचे तथा श्री रामकृष्ण से भेंट की। वे दोनों उनका सौजन्य देख मुग्ध हो गए क्योंकि उन्होंने पहली ही भेंट में ऐसा प्रेम और सत्कार कभी नहीं देखा था। श्री रामकृष्ण का प्रेम उन्हें इतना अभिनव और निश्चल इसलिए लगा था कि वे स्वार्थहीन थे। इसके बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। श्री रामकृष्ण के दर्शनों में उन्होंने केवल अपने को ही सीमित नहीं रखा वरन अपने स्वजनों तथा मित्रों को भी दक्षिणेश्वर जाने के लिए उत्साहित किया जिससे वे भी उनके साहचर्य से धन्य हो सकें।
इस बीच अन्य दूसरे भक्तों ने भी श्री रामकृष्ण के पास आना आरंभ किया और रविवार के दिन उनका छोटा सा कमरा लोगों से खचाखच भर जाता था। ये भक्त आपस में परिचित हुए तथा जो लोग श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त हुए थे वे परस्पर एक आध्यात्मिक भ्रातृभाव के सूत्र में बंध गए। श्री रामकृष्ण भी कलकत्ते से इन भक्तों का निमंत्रण पाकर यदा कदा वहां जाते और धीरे धीरे इस प्रकार का मिलन छोटे उत्सव का रूप लेने लगा। सुरेंद्रनाथ मित्र रामचंद्र के बंधु थे तथा पड़ोस में रहते थे। वे एक अंग्रेज फर्म में महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। पहले वे बड़े स्वच्छंद प्रकृति के थे पर श्री रामकृष्ण के प्रेम के प्रभाव में आकर परिवर्तित हो वे एक दूसरे ही व्यक्ति हो गए। श्री रामकृष्ण की सुख सुविधा के लिए वे मुक्त हाथ से खर्च करते थे। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के पश्चात वारानगर मठ के प्रारंभ काल से ही वे उसके प्रमुख आधार थे। श्री रामकृष्ण के दूसरे गृहस्थ भक्त बलराम बोस उड़ीसा के एक अमीर जमींदार थे। सन 1882 में उन्होंने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से पहली बार भेंट की थी। उसके बाद से ही वे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धान्वित हो उठे और अंत तक उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। श्री रामकृष्ण बहुधा उनके कलकत्ते के बाग बाजार में स्थित निवास स्थान पर भक्तों से भेंट करते तथा भजनों और आध्यात्मिक उपदेशों में समय बिताते। मास्टर महाशय के नाम से विशेष विख्यात तथा श्री रामकृष्ण वचनामृत या कथामृत के अमर लेखक महेंद्रनाथ गुप्त ने मार्च सन 1882 में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के प्रथम दर्शन किए थे। उस सागर वे विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट श्याम बाजार शाखा के हेडमास्टर थे तथा वे जीवन पर्यंत शिक्षा शास्त्री रहे। श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्तों में उनका एक अत्युच्च स्थान था। श्री रामकृष्ण को एक दर्शन हुआ था कि त्याग और सेवा के उच्च आदर्श से अनुप्राणित निष्ठावान आत्माओं का एक दल उनके पास आएगा तथा उनसे सार्वभौमिक प्रेम और समन्वय का संदेश ग्रहण कर उसे मानव समाज के बीच प्रचारित करेगा। उनका ये दर्शन अब शीघ्र ही कार्यकर होने लगा। उनके चारों ओर एक के बाद एक ये महान आत्माएं एकत्रित होने लगीं जो उनके जादुई स्पर्श से कालांतर में महान शक्तिशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित हुई। शिष्यों का ये दल विशेष करके उत्साही नवयुवकों का था जो बाद में अपना सब कुछ त्याग कर संन्यास के व्रत में दीक्षित हुआ। आने वालों में सबसे पहले थे लाटू यानी स्वामी अद्भुतानंद। वे बिहार के छपरा जिले के एक निर्धन परिवार के थे। उन्हें लगभग 6 वर्षों तक श्री रामकृष्ण की सेवा का सौभाग्य मिला था तथा श्री रामकृष्ण के जीवन काल में ही उन्होंने बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि अर्जित की थी। राखाल चंद्र घोष यानी स्वामी ब्रह्मानंद ने सन 1881 में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन प्राप्त किया था। वे बसीरहाट 24 परगने के जमींदार के पुत्र थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने मानस पुत्र के रूप में देखा था और उनकी गणना नित्य सिद्ध की कोटि में की थी। बाद में वे रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रथम अध्यक्ष हुए तथा उन्होंने इस नवजात संस्था को एक शक्तिशाली संघ के रूप में विकसित किया। गोपाल घोष यानी स्वामी अद्वैतानंद आयु में बड़े थे इसलिए श्री रामकृष्ण उन्हें बूढ़ो गोपाल कहकर पुकारते थे। अंत में वे संसार त्याग कर वरानगर मठ में सम्मिलित हुए थे। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद कलकत्ते के एक सुसंस्कृत कुलीन परिवार के थे। बाल्यावस्था से ही उनका मन अंतर्मुखी था तथा वे ध्यान में निष्णात थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उनमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अदम्य इच्छा जागृत हुई। श्री रामकृष्ण के सतर्क मार्गदर्शन में उन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त की और इसके साथ ही उनका हृदय मानव मात्र के प्रति प्रेम से पूरित हो उठा। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद उन्होंने ही सारे गुरु भाइयों को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधा तथा उन संस्थाओं का भित्ति स्थापन किया जो वर्तमान रामकृष्ण मठ और मिशन के रूप में विकसित हुई। तारकनाथ घोषाल यानी स्वामी शिवानंद 24 परगने में स्थित बारासात के सुप्रसिद्ध घोषाल परिवार से आए थे। बाल्यावस्था से ही उनकी रुचि ध्यान धारणा में थी। सन 1880 में श्री रामकृष्ण के प्रथम दर्शन में ही
वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें जीवन का ध्रुव तारा बना लिया। बाद में सन 1922 में वे रामकृष्ण मठ और मिशन के द्वितीय अध्यक्ष हुए। बाग बाजार के हरिनाथ चैटर्जी यानी स्वामी तुरियानंद श्री रामकृष्ण के एक दूसरे महान शिष्य थे जो श्री रामकृष्ण के आकर्षक व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित हुए थे। उनकी कठोर तपस्या तथा अद्भुत सहन शक्ति ने उन्हें एक महान योगी के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उनके लिखे गए पत्रों तथा वार्तालाप का संग्रह आध्यात्मिक प्रेरणा का अचूक साधन है। ये थे श्री रामकृष्ण के कुछ अन्यतम शिष्य जिन्होंने श्री रामकृष्ण की सेवा में अपने को समर्पित किया था और अपना जीवन उनके द्वारा प्रदर्शित त्याग के उच्च आदर्श पर गढ़ा था। इन कुछ चुने हुए लोगों को एकत्रित कर श्री रामकृष्ण ने अपना अंतरंग बना लिया था और वे उन्हें माता का मृदुल स्नेह प्रदान कर ईश्वर उपलब्धि के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर कराते रहे। श्री रामकृष्ण की आत्मोपलब्धि ने उन्हें स्त्री पुरुष संबंधी समस्त भेदभावों से ऊपर उठा दिया था तथा उन सबके बीच उनकी अवस्था एक बालक की भांति सरल और निष्पाप हुआ करती थी। प्रत्येक स्त्री उनके सम्मुख जगन माता का जीवंत रूप थी। जो महिला भक्त उनके समीप आध्यात्मिक निर्देशन और ईश्वर प्राप्ति में सहायता के लिए आती वे उनके सम्मुख किंचित मात्र भी संकोच अथवा असुविधा का अनुभव नहीं करती थी। श्री रामकृष्ण उसी सहजता से उनके विचारों और मन की स्थिति को भांप लेते थे जिस प्रकार पुरुषों के, और चूंकि उनका मन पूर्णतः पवित्र था अतः स्वाभाविक ही वे उनके भीतर की श्रेष्ठ भावनाओं को जगा देते थे। वे उन्हें काम कांचन का त्याग करने की सलाह देते तथा ईश्वर दर्शन के लिए कठोर प्रयास करने के लिए कहते। उनकी कुछ प्रमुख भक्त महिलाओं का जीवन, जिनमें योगीन माँ, गोलाप माँ, अघोरमणि देवी, गौरी माँ तथा लक्ष्मीमणि देवी आती हैं, इस बात का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार विशुद्ध निस्वार्थ पूर्ण प्रेम तथा पूर्ण शरणागति की भावना प्रत्येक निष्ठावान साधक को बिना किसी जाति अथवा लिंग के भेद के चरम ज्ञान की प्राप्ति करा दे सकती है। दक्षिणेश्वर जो कभी शांत और निर्जन था अब ऐसे शत शत निष्ठावान जिज्ञासुओं का आवास बन चुका था जो श्री रामकृष्ण से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने के लिए उनके छोटे से कमरे को सवेरे से शाम तक घेरे रहते, और श्री रामकृष्ण भी अपनी सुख सुविधा का तनिक भी ख्याल ना कर अपनी स्वाभाविक तत्परता और उत्साह से इन उत्सुक जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते। कभी कभी उनका कमरा लगातार कई घंटों तक भक्तों से भरा रहता और वे भोजन करने तथा अपनी श्रांत क्लांत देह को तनिक आराम पहुंचाने के लिए भी मुश्किल से समय दे पाते। वे इन निष्ठावान साधकों को बहुत बार अपने भजनों एवं उद्बोधक उपदेशों द्वारा तथा अपनी स्वयं की आध्यात्मिक चेष्टाओं और अनुभूतियों के वर्णन द्वारा अनुप्राणित करते। कभी कभी उनका कमरा एकत्रित भक्तों की अवर्णनीय भावपूर्ण सुमधुर संगीत लहरी से गूंज उठता। सारे वातावरण में आध्यात्मिकता की बाढ़ आ जाती। जो भी श्री रामकृष्ण के घनिष्ठ संपर्क में आता वो ईश्वर दर्शन के लिए एक पागलपन का अनुभव करता। उनके आध्यात्मिक जीवन से आकृष्ट हो सभी जाति और वर्ग के लोग उनके पास एकत्रित होने लगे। उनका जीवन इस तरह विविध मानवीय विचारधाराओं का एक विशाल संगम हो गया था जहां थके मांदे यात्री आकर मिलते और अपनी आध्यात्मिक पिपासा शांत करते। किंतु अनवरत भाव समाधि के तनाव के कारण तथा आए दिन अगणित भक्तों से आध्यात्मिक चर्चा के फलस्वरूप उनका दुर्बल स्वास्थ्य टूटने लगा। कभी कभी वे एक रूठे बालक की भांति जगन माता से शिकायत कर उठते, तुम यहां ऐसे लोगों को क्यों लाती हो जो पानी मिले हुए दूध की तरह हैं, जिनमें 5 गुना पानी मिला हो। इस जल को सुखाने में आग फूंकते फूंकते मेरी आंखें नष्ट हो गईं, मेरा स्वास्थ्य जाता रहा। यह मेरे बूते की बात नहीं, यदि तुम्हें यह करना ही है तो स्वयं करो। ये शरीर एक फूटे ढोल के सिवा और क्या है, और यदि तुम इसे दिन रात पीटती रहोगी तो सोचो तो भला ये कितने दिन चलेगा। पर अपने इस भयानक शारीरिक श्रम के बावजूद उन्होंने संतप्त आत्माओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करने के प्रयास में जरा भी कसर नहीं की। भले ही वे लोग उनके पास समय असमय क्यों न पहुंचते रहे हों, पर दुख और अज्ञान से भरी मानव जाति के प्रति
असीम करुणा के सम्मुख उनका शारीरिक अस्वस्थता का क्षणिक भाव तिरोहित हो जाता। वे कातर हो चिल्ला उठते, बार बार एक कुत्ते का जन्म लेकर भी यदि मैं एक आत्मा की कुछ सहायता कर सकूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। एक भी व्यक्ति के कल्याण के लिए मैं ऐसे 20,000 शरीरों का त्याग कर सकता हूं। एक मनुष्य की भी सहायता कर पाना बड़े सौभाग्य की बात है। सबके प्रति उनकी करुणा ऐसी अथाह थी कि वे समाधि में मग्न रहने के कारण स्वयं को कभी कभी दोषी ठहराने लगते, क्योंकि उन्हें लगता कि इसमें जो समय व्यतीत होता उसे वे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में लगा सकते थे। सन 1885 के उमस भरे महीनों में उन्हें भीषण गर्मी से बड़ा कष्ट सहना पड़ा। बर्फ के प्रयोग से कष्ट को थोड़ा कम होते देख भक्तगण रोज बर्फ लाने लगे। इसके लगातार उपयोग से उनके गले में पीड़ा आरंभ हुई। शुरू में ये इतनी सामान्य थी कि किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया, पर एक ही महीने में कष्ट इतना अधिक होने लगा कि शिष्यगण चिंतित हो उठे और उन्होंने कंठ रोग विशेषज्ञ को बुलाकर इसकी जांच करवाई। बहुत सी दवाइयों के सेवन के बावजूद उनकी अवस्था में तनिक भी सुधार नहीं हुआ। विशेषकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये पीड़ा और भी प्रचंड हो उठती और उनके लिए सख्त पदार्थ खाना असंभव हो जाता। चिकित्सकों ने इसका निदान वक्ताओं के गले का रोग बतलाया। श्री रामकृष्ण डॉक्टरों के अन्य समस्त आदेशों का पालन करते, सिवाय दो के, भाव समाधि को रोकने के तथा स्वर यंत्र को आराम देने के। जैसे ही वे ईश्वरीय चर्चा करते वैसे ही शरीर का भाव छोड़ समाधि में डूब जाते। इसी प्रकार उनके पास शांति की कामना से आए संसार ताप तप्त लोगों के सम्मुख उनकी वाणी नहीं थमती थी। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उनका स्वास्थ्य टूटने लगा था। रोग दिन पर दिन असाध्य होता गया। अक्टूबर सन 1885 के प्रारंभ में कलकत्ते के श्यामपुकुर नामक स्थान में एक मकान किराए पर लिया गया और चिकित्सा की सुविधा की दृष्टि से श्री रामकृष्ण को वहां लाया गया। उस समय के प्रसिद्ध होम्योपैथ तथा विज्ञान संवर्धन संस्था के संस्थापक डॉ. महेंद्र लाल सरकार की देखरेख में उनकी चिकित्सा होने लगी। डॉक्टर सरकार को जब यह ज्ञान हुआ कि भक्तगण ही श्री रामकृष्ण को चिकित्सा हेतु कलकत्ता ले आए हैं तथा वे ही उनका सारा खर्च वहन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सहर्ष अपनी चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क कर दी। अब भक्तों के सामने आवश्यकता ऐसे लोगों की थी जो श्री रामकृष्ण की भोजन की देखभाल तथा उनका अहर्निश परिचर्या कर सकें। श्री मां के पास दक्षिणेश्वर में यह समाचार भेजा गया और वे शीघ्र ही श्यामपुकुर आ पहुंची तथा काम संभाल लिया। इस तरह श्री रामकृष्ण के भोजन की समस्या सुलझी। रात्रि की परिचर्या का दायित्व नरेंद्र नाथ ने स्वयं अपने ऊपर लिया और वे श्यामपुकुर में आकर रात बिताने लगे। यद्यपि श्यामपुकुर के प्रारंभिक दिनों में केवल 4 या 5 भक्त इस सेवा कार्य के प्रति आकृष्ट हुए थे, पर अंत तक उनकी संख्या बढ़कर 4 हो गई थी। लड़कों के अभिभावक उन्हें अपनी पढ़ाई के प्रति उदासीन तथा श्री रामकृष्ण के साथ रहते देख आतंकित हो उठे और उन्हें घर लौटा ले जाने के लिए विभिन्न साधन अपनाने लगे। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने पूरी निष्ठा के साथ श्री रामकृष्ण की चिकित्सा आरंभ की। श्री रामकृष्ण की जांच समाप्त कर वे घंटों उनके पास विभिन्न धार्मिक विषयों की चर्चा में व्यतीत करते। इस प्रकार धीरे धीरे डॉक्टर सरकार श्री रामकृष्ण के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होते गए तथा इस घनिष्ठता के परिणाम स्वरूप डॉक्टर सरकार की श्री रामकृष्ण के प्रति प्रशंसा शीघ्र ही श्रद्धा के रूप में परिणित हो गई। श्यामपुकुर में श्री रामकृष्ण ने एक दिन अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालकर कमरे में विचरते देखा। उसकी पीठ पर बहुत से फोड़े थे, ये देख वे उलझन में पड़े, पर उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि संसारी लोगों द्वारा उन्हें स्पर्श करने के फलस्वरूप ही ये फोड़े हुए हैं। इस स्पर्श से वे लोग तो पवित्र हो गए, पर उनकी पाप जनित यातनाएं श्री रामकृष्ण को भुगतनी पड़ी। 2 से अधिक महीने बीत गए, पर उनके स्वास्थ्य में सुधार के कोई चिन्ह नहीं दिखे। इसके विपरीत उनकी अवस्था उत्तरोत्तर खराब होती रही। जब चिकित्सा प्रभावहीन सिद्ध हुई तो डॉक्टर सरकार ने परिवर्तन की दृष्टि से उन्हें शहर से बाहर किसी उद्यानवटी में ले जाने की सलाह दी।
अतः गोपाल चंद्र घोष के काशीपुर में स्थित विशाल उद्यान वाटी को किराए पर लिया गया तथा 11 दिसंबर 1885 की शाम को श्री रामकृष्ण को इस नए स्थान पर ले आया गया। काशीपुर के बगीचे में श्री रामकृष्ण के जीवन का इस भौतिक धरातल पर अंतिम अध्याय अभिनीत हुआ। संसार के रंगमंच से विदा लेने से पहले उन्होंने अपने को महानतम रूप में प्रकट किया तथा नरेंद्र को अपनी भावधारा के प्रचार का उपयुक्त यंत्र बना उनके ऊपर अपनी भक्त मंडली का भार सौंपा। इस समापन दृश्य की कारुणिकता तथा गांभीर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल उसे अनुभव किया जा सकता है। काशीपुर में आगमन के शीघ्र पश्चात युवकों ने खाना पकाने, बाजार आदि जाने का घरेलू कार्य आपस में संभाल लिया। श्री मां ने श्री रामकृष्ण के भोजन तैयार करने तथा उन्हें खिलाने का कार्य हाथ में लिया। नरेंद्र तरुण भक्तों के नेता थे। श्री रामकृष्ण की सेवा से अवकाश मिलने पर वे उन लोगों को एकत्रित कर ध्यान, अध्ययन, चर्चा या भजन आदि में नियोजित करते। कार्य में मग्न वे सब के सब सदैव आनंद के वातावरण में डूबे रहते। समय किस प्रकार बीतता इसका उन्हें कोई भास नहीं रहता। यद्यपि इन सर्वस्व त्यागी भक्तों की संख्या 12 से अधिक नहीं हुई थी, पर उनमें से प्रत्येक गुरु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर शक्ति के आगार के रूप में प्रकट हुआ। इसी बीच एक दिन रात में नरेंद्र ने कुछ युवकों को पास बुलाकर कहा, ठाकुर की बीमारी अत्यंत चिंताजनक है, शायद वे शरीर त्याग देना चाहते हैं, अतः जब तक अवसर है उनकी सेवा के द्वारा, जप ध्यान के द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भरसक प्रयास करो, अन्यथा उनके देह त्याग के बाद तुम्हारे पश्चाताप का कोई ठिकाना न रहेगा। हम लोग इस मूर्खतापूर्ण विचार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि अमुक अमुक काम समाप्त कर हम ईश्वर का भजन करेंगे। कामना की जंजीरों से हम स्वयं को अधिकाधिक जकड़े डाल रहे हैं और कामना का अर्थ है मृत्यु। हमें उसे जड़ से नष्ट करना होगा। वो निहारिका मंडित शीतल रात्रि थी। चारों ओर अनुपम शांति विराज रही थी। वातावरण से प्रभावित हो नरेंद्र का अंतर्मुखी मन ध्यान में डूब जाने के लिए व्यग्र हो उठा। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सूखी घास का ढेर देखकर बोले, इसमें आग लगाओ, ऐसे ही समय में तो साधुगण अपनी धुनी जलाते हैं, हम भी वैसा ही करें और अपनी वासनाओं को जला डालें। धूनी प्रज्वलित की गई। तरुण भक्तों ने आग में ईंधन के साथ ही साथ अपनी कामनाओं का भी होम कर दिया। इसके विचार मात्र से उनका हृदय अवर्णनीय आनंद से उत्फुल्ल हो उठा। उन्होंने यथार्थ में यह अनुभव किया कि उनका मन विशुद्ध हो गया है तथा वे ईश्वर के समीप पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे ही अवसर पर एक अद्भुत घटना घटित हुई जिससे श्री रामकृष्ण की अपार आध्यात्मिक शक्ति तथा अपने भक्तों के प्रति उनके अद्भुत प्रेम का परिचय मिला। 1 जनवरी 1886 की बात है। श्री रामकृष्ण उस दिन अपने को काफी स्वस्थ महसूस कर रहे थे। शाम के 3 बजे का समय होगा। उन्होंने बगीचे में टहलने की इच्छा व्यक्त की। वो छुट्टी का दिन था। लगभग 30 गृही भक्त वहां उपस्थित थे। कुछ हॉल में थे और कुछ पेड़ों के तले। जब श्री रामकृष्ण नीचे उतरे तो हॉल में स्थित भक्तों ने उन्हें प्रणाम किया और जैसे जैसे वे फाटक की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हुए वे सब भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। गिरीश, राम, अतुल तथा अन्य भक्त भी आ पहुंचे और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण अचानक गिरीश से बोले, अच्छा गिरीश, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम सब लोगों के सामने मुझे अवतार घोषित करते हो? इस प्रश्न से तनिक भी विचलित ना हो गिरीश उनके सम्मुख घुटने टेक दोनों हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहने लगा, प्रभो, जिनकी महिमा का पार व्यास और वाल्मीकि जैसे ऋषि भी नहीं पा सके उनके बारे में मुझ जैसा अधव जीव भला क्या कह सकता है? इन तीव्र भावना युक्त शब्दों को सुनकर श्री रामकृष्ण पसीज उठे और बोले, मैं और क्या कहूं, मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोगों को चैतन्य प्राप्त हो। ये कहकर वे अर्धबाह्य दशा में डूब गए। भक्तगण ये पवित्र वाणी सुन आनंद से पागल हो उठे और आगे बढ़ बढ़कर उन्हें प्रणाम करने लगे तथा चरणों की धूलि लेने लगे। भक्ति का ऐसा प्राकट्य देख श्री रामकृष्ण की करुणा समस्त बांधों को लांघ गई।
और वे एक के बाद एक सबको स्पर्श करते हुए यथा योग्य आशीष वर्षण करने लगे। अपना अंतिम समय निकट जान श्री रामकृष्ण अपने प्रमुख शिष्य नरेंद्र नाथ को उनके द्वारा बाद में संपादित होने वाले महान कार्य के लिए प्रस्तुत करने हेतु व्यस्त हो उठे। उन्हें तरुण भक्तों की देखभाल के लिए विशेष आगाह करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं उन्हें तेरी देखरेख में छोड़े जाता हूं, देखना कि वे लोग आध्यात्मिक साधन में लगे रहें और घर न लौटे। इस तरह वे चुपचाप अपने युवक भक्तों को संन्यास जीवन के लिए तैयार करने लगे। एक दिन उन्होंने नरेंद्र तथा अन्य युवा भक्तों को मोहल्ले से भिक्षा मांगकर लाने के लिए कहा। वे सब अपना भिक्षा पात्र लेकर निकले। श्री रामकृष्ण ये देख अत्यंत प्रसन्न हुए कि शीघ्र ही ये तरुण युवक गैरिक वस्त्र धारण कर घर घर भिक्षा मांगते हुए संसार में विचरण करेंगे और मानवता को धर्म का महान कल्याणकारी पाठ पढ़ाएंगे। एक दिन बूढ़े गोपाल ने साधुओं को गेरुआ वस्त्र और रुद्राक्ष माला दान देने की इच्छा प्रकट की। ये सुन श्री रामकृष्ण ने अपने तरुण शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, इनसे बढ़कर अच्छे साधु तुम्हें और कहां मिलेंगे। तुम्हें जो कपड़ा और सामान देना हो वो इन्हें दे दो। गोपाल ने गेरुआ कपड़े का गट्ठर श्री रामकृष्ण के सामने रख दिया और श्री रामकृष्ण ने उन कपड़ों को अपने युवा शिष्यों के बीच बांट दिया। एक दिन शाम को श्री रामकृष्ण ने उनके द्वारा एक अनुष्ठान कराया और उन्हें बिना किसी जाति पाति के विचार के सभी घरों से भिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने शिष्यों को संन्यास जीवन में दीक्षित किया तथा भावी रामकृष्ण संघ की प्रतिष्ठापना की। एक दिन संध्या समय जब नरेंद्र नाथ ध्यान कर रहे थे तब अकस्मात उन्हें समाधि की अनुभूति हुई। उन्हें पहले ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने उनके सिर के पीछे प्रकाश रख दिया हो। उसके पश्चात वे समस्त सापेक्षता के परे हो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गए। उन्होंने निर्विकल्प समाधि प्राप्त की। जब उन्हें तनिक बाह्य चेतना प्राप्त हुई तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका मात्र सिर है और शरीर नहीं। वे चिल्ला उठे, ओह मेरा शरीर कहां है। उनकी आवाज सुन बूढ़े गोपाल कमरे में आए और नरेंद्र के पुनः वही प्रश्न दोहराने पर उन्होंने कहा, ये यहां है नरेंद्र। नरेंद्र को समाधान होते ना देख वे आतंकित हुए और श्री रामकृष्ण के पास समाचार देने दौड़े। श्री रामकृष्ण ने केवल यही कहा, उसे थोड़ी देर उसी अवस्था में पड़े रहने दो, उसी के लिए तो वो मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहा था। बड़ी देर बाद नरेंद्र की चेतना बाह्य जगत में लौटी। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को अपने चारों ओर एकत्रित पाया। उनकी आत्मा एक अनुपम शांति से परिपूर्ण थी। जब वे श्री रामकृष्ण के पास पहुंचे तो श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, अब तुझे मां ने सब कुछ दिखा दिया है, किंतु तेरी ये अनुभूति अभी ताले में बंद रहेगी और चाबी मेरे पास रहेगी। जब तू मां का कार्य समाप्त कर लेगा तो यह संपत्ति मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस बीच श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया था। उनका भोजन ना के बराबर हो गया। भक्तगण ये देख व्यथित हो उठे। वे जान गए कि वे अपने जीवन के महानतम आश्रय से अब बिछुड़ने वाले हैं। जब पीड़ा असह्य हो उठती तो श्री रामकृष्ण मुस्कुराहट के साथ फुसफुसा उठते, दुख जाने और शरीर जाने, मन तुमी आनंदे थे को। अरे मेरे मन, शरीर और उसके कष्ट को आपस में एक दूसरे से निपटने दे, पर तू हमेशा आनंद में रह। एक रात उन्होंने महेंद्रनाथ से धीमे स्वर में कहा, तुम लोग रोओगे इसीलिए मैं ये सब प्रसन्नता के साथ सहन कर रहा हूं। अगर तुम सब कहो कि इतना कष्ट सहने की अपेक्षा शरीर चला जाए वही अच्छा, तो मैं तैयार हूं। उन्होंने भक्तों को यह कहकर सांत्वना दी, ईश्वर अपने भक्तों के साथ मानव तन धारण कर अवतार के रूप में आते हैं। भक्त पुनः उनके साथ लौट जाते हैं। बाउलों का एक दल घर के सामने प्रकट होता है, नाचता है, गाता है और जैसे आया था वैसे ही अचानक गायब भी हो जाता है। उन्हें कोई जान नहीं पाता। अपनी क्षीण होती शक्ति के बावजूद श्री रामकृष्ण ने अपना आध्यात्मिक कार्य जारी रखा। एक दिन उन्होंने नरेंद्र को राम मंत्र में दीक्षित किया।
जो उनके स्वयं का इष्ट मंत्र था। इसका प्रभाव चमत्कारिक हुआ। नरेंद्र अपूर्व आनंद से भर उठे और भाव विह्वल हो राम राम कहते हुए घर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे ऐसी उन्मत्त अवस्था में थे कि किसी को उनके पास जाने का साहस न हुआ। कई घंटों के पश्चात भी जब उनके भाव को उपशमित होते न देखा तो अन्य शिष्य गण भयभीत हुए और उन्होंने श्री रामकृष्ण को जाकर सूचना दी। उन्होंने मात्र ये कहा, उसे वैसे ही रहने दो, कुछ समय में वो ठीक हो जाएगा। 4 बजे के बाद ही नरेंद्र अपनी सामान्य अवस्था में आ सके थे। महासमाधि के 8-9 रोज पहले श्री रामकृष्ण ने योगीन से बांग्ला पंचांग से 25 श्रावण यानी 9 अगस्त के आगे के दिन पढ़ने के लिए कहा। योगीन जब पढ़ते हुए श्रावण मास की अंतिम तिथि तक पहुंचे तो उन्होंने इशारे से बतलाया कि वे अब और नहीं सुनना चाहते। इसके 4-5 दिन बाद उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाया। कमरे में और दूसरा कोई न था। उन्होंने नरेंद्र को अपने सामने बैठने के लिए कहा और उनकी ओर निर्निमेश दृष्टि से देखते हुए वे समाधि में मग्न हो गए। नरेंद्र ने अपने शरीर के भीतर विद्युत के झटके की भांति सूक्ष्म शक्ति को प्रवेश करते अनुभव किया। धीरे धीरे वे भी बाह्य चेतना खो बैठे। उन्हें स्मरण नहीं रहा कि वे वहां कितनी देर बैठे रहे। जब उनकी सामान्य चेतना लौटी तो उन्होंने श्री रामकृष्ण को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते पाया। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, आज मैं तुझे सब कुछ देकर फकीर हो गया। इस शक्ति के द्वारा तू संसार का महान कल्याण करेगा और तभी तू वापस जा सकेगा। इस तरह श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के भीतर अपनी सारी शक्ति संचारित कर दी और गुरु तथा शिष्य एक अभिन्न आत्मा हो गए। इसके 2 ही दिन बाद नरेंद्र के मन में श्री रामकृष्ण की उस उक्ति को कि वे अवतार हैं परीक्षा की कसौटी पर कसने का विचार उदित हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यदि ऐसी भयानक शारीरिक यंत्रणा के बीच वे अपने अवतारत्व की घोषणा करें तब मैं विश्वास करूंगा। आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र के मन में इस विचार का उठना था कि श्री रामकृष्ण अपनी सारी शक्ति संचित कर स्पष्ट शब्दों में बोल उठे, जो राम था जो कृष्ण था वही इस शरीर में रामकृष्ण हुआ है, किंतु तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। इतने रहस्य उद्घाटनों के बावजूद श्री रामकृष्ण के प्रति मेरी शंका बनी रही, ये सोच नरेंद्र लज्जा और अनुताप से गड़ गए। अंत में भक्तों का वो हृदय विदारक दिवस आ पहुंचा। उस दिन रविवार था, 15 अगस्त 1886, श्रावण मास का अंतिम दिन। श्री रामकृष्ण की पीड़ा चरम सीमा पर थी। भक्तगण व्यथित हो रो रहे थे। वे उनके बिस्तर के चारों ओर खड़े थे। संध्या के समय श्री रामकृष्ण अचानक समाधि में मग्न हो गए। उनका शरीर जड़ हो गया। शशि को यह समाधि कुछ असामान्य प्रतीत हुई और वे रोने लगे। मध्य रात्रि के पश्चात श्री रामकृष्ण की बाह्य चेतना लौटी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 3 बार काली का नाम उच्चारित किया और धीरे से लेट गए। रात्रि के 1:02 पर अचानक उनका शरीर रोमांचित हो उठा। बाल खड़े हो गए, नेत्र नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित हो गए तथा मुखमंडल मुस्कान से खिल उठा। श्री रामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गए। इस प्रकार सोमवार 16 अगस्त 1886 को ब्रह्म मुहूर्त में अपने भक्तों और स्नेहियों को दुख सागर में डुबा वे इस जगत से महाप्रयाण कर गए। 5 बजे उनकी पूत देह को नीचे लाकर खाट पर रखा गया। उसे गेरुआ वस्त्र पहनाकर चंदन लेप और फूलों से सजाया गया। 1 घंटे बाद देह को भजन कीर्तन के साथ काशीपुर शमशान घाट ले जाया गया। महाप्रयाण की इस यात्रा को देख दर्शकों के आंसू बहने लगे। देह चिता पर लिटा दी गई और कुछ ही घंटों में सब कुछ शेष हो गया।